फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी सीखेंगे ताल कहरवा का प्रथम पैटर्न, पहला पैटर्न। बहुत ही सरल और आसान बोलों के साथ में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार आशीर्वाद हमें दें। अभी तक तबले में आपने सीखे, तबले के हमारे तीन लेसन इससे पहले आ चुके हैं। ये लेसन नंबर चौथा है ताल कहरवे का पहला पैटर्न। अभी पिछली वीडियो में आपने सीखा कि तबले में तिरकिट हम कैसे बजाएं, तिरकिट बजाना आपने सभी ने सीखा। और इस वीडियो में सीखेंगे ताल कहरवे का प्रथम पैटर्न, पहला पैटर्न है, बहुत ही सरल है। देखिए मैं अपने चैनल पर तबला और ढोलक के दोनों के लेसन आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। यदि आप सभी को तबला या ढोलक ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो दिए गए ऊपर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं लखनऊ से हूँ, डालीगंज लखनऊ से। तो जो मैं लेसन तबला के दे रहा हूँ, बना रहा हूँ आप सभी के लिए, ये क्रम वाइज। जैसे कोई बिगनर्स हैं, यदि आप बिगनर्स हैं, तबला कोई शुरुआत से सीखना चाहता है, तबला बजाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं शुरुआत से सिखा रहा हूँ, समझ लीजिए ऐसे कक्षा एक से। हाँ, कक्षा एक से तबला सिखाना मैं शुरू कर रहा हूँ। ये मेरा लेसन नंबर चौथा है ताल कहरवे का प्रथम पैटर्न, बहुत ही सरल है। जब आप इन पैटर्नों को सीखते जाएंगे तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे, मैं अपने प्रकारों को बदलता जाऊँगा। आज ताल कहरवे का प्रथम पैटर्न है, अगली वीडियो में दूसरा पैटर्न आएगा, अगली वीडियो में तीसरा पैटर्न। हर बार पैटर्न में कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर होगी। तो सबसे पहले आप लोग एक बार बोलों को सुन लीजिए, उसके बाद में ये सारे बोलों को मैं मोबाइल की स्क्रीन पर भी दे दूंगा। इसका बोल है धित्ता तित्ता तित्ता धित्ता। देखिए ताल कहरवे में आठ मात्रा होती है, आठ मात्रा की हमारी ताल कहरवा होती है। धित्ता तित्ता तित्ता धित्ता, आठ बोल हैं। अब देखिए बोल आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी आ गए हैं। धित्ता तित्ता तित्ता धित्ता धित्ता तित्ता तित्ता धित्ता धित्ता तित्ता तित्ता धित्ता धा। तो ये है बोल इसका, बहुत सरल है। देखिए आपके लिए कठिन लग रहा होगा, यदि आप बिगनर्स हैं, अभी आपको पता नहीं, बजाना नहीं आता, तो अभी कठिन लग रहा होगा, बहुत सरल है। आइए मैं इसकी एक बहुत अच्छी निकास विधि बताता हूँ। पहला बोल हमारा है धी। धी कहाँ पर बजेगा, देखिए आइए तबले पर फोकस करते हैं। धी बजेगा हमारा लौ पे, चाटी से आगे बीच का मैदान जो है ये लौ कहते इसे हैं। यहाँ पे बजेगा धी, इसके साथ में बायां लगेगा, ये धी। लौ पे हम जब इंडेक्स फिंगर से बजाएंगे, इसके साथ में बायां बजाएंगे तो धी। नेक्स्ट बोल दूसरा हमारा है ता। ता हम चाटी पे बजाएंगे, ता। दो बोल हो गए धित्ता। उसके बाद में है तित्ता, फिर तित्ता। ती हमारा बजेगा लौ पे। देखिए जितने भी इसमें बोल धी या ती हैं वो सब लौ पे बजेंगे, सारे ता हमारे चाटी पे बजेंगे, ता चाटी पे रहेंगे, धी और ती लौ पे बजेगा। धी के साथ में बायां हाथ लगेगा, ती में बायां नहीं लगेगा, बस यही इसका आसान तरीका है। अब देखिए धी ता तित्ता तित्ता धित्ता। बोल नंबर सात पे इसे लगाना है, धी है वहाँ पे धी। देखिए बोल नंबर एक पे धी ता तित्ता तित्ता धित्ता, बायां इसमें दो जगह लगाना है, एक पर और सात पर। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ऐसे धित्ता तित्ता तित्ता धित्ता, ये इसका बोल है। तो धित्ता तित्ता तित्ता धित्ता, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। अब इसका थोड़ा डबल करते हैं, धित्ता
कहरवे का प्रथम पैटर्न है पहला, जिसमें बहुत ही सरल है। मैं सरल इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो जिनको तबला बजाना बिल्कुल नहीं आता, आप बिगनर्स हैं, तो उनके लिए ये है सरल एकदम है शुरुआत का प्रथम पहला पैटर्न। अब जो मेरा दूसरा पैटर्न आएगा उसमें थोड़ी चेंजेस होगी, ऐसा नहीं होगा, होगा यही चलन यही होगा इसका, और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगी, वो इससे भी अच्छा होगा, वो पैटर्न में थोड़ा और अच्छा भरा हुआ आएगा। उसके बाद में जो मेरा ताल कहरवे का पैटर्न आएगा उसमें और भी चेंजेस होगी, उसमें और भी भरा हुआ आएगा। तो आप लोग एक एक पैटर्न को तैयार कीजिए, मेहनत परिश्रम कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। अब आगे जो मेरा पैटर्न आएगा वो ये होगा, देखिए अब इस पैटर्न में और जो अभी हमने सिखाया उसमें चेंजेस है, डिफरेंस है थोड़ा, लेकिन ये पैटर्न जो मैंने बाद में बजाया ये उससे खूबसूरत लग रहा है, उससे और भी अच्छा लग रहा है, इसका बोल भी अलग है। तो आज जो मैंने पैटर्न बताया पहले आप उसको सीखिए, रियाज अभ्यास कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ये सारे ताल कहरवा के जो पैटर्न हैं सारे फिल्मी गानों में बहुत बजते हैं, इनका बहुत प्रचलन है, बहुत ज़्यादा बजते हैं, इनका यूज है। अब मैं कुछ ऐसे पैटर्न आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा जो एकदम फिल्मी पैटर्नों पे ही बजे हैं, जैसे तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजीब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजीब सी चाहत झलक रही है। तो इस प्रकार के गानों में ऐसे पैटर्न बजेंगे। और जैसे हमारा एक गाना है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो ये सब गाने हैं ताल कहरवा के, वे प्रकार हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं इन सारे प्रकारों को आपको सिखाऊंगा, उसके बाद में भी और भी अच्छे से कहरवा हैं, जैसे सीखेंगे। आप परेशान मत हों, एक एक पैटर्न को तैयार करें, रियाज करें, अभ्यास करें, एक एक को सीखें, धीरे धीरे क्रमशः क्रम वाइज मैं सारे पैटर्नों को आपको सिखा दूंगा, बस इसका रियाज कीजिए, अभ्यास कीजिए। धित्ता तित्ता तित्ता धित्ता। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। नमस्कार।